बैंड बाजा और हम सब बाराती इंतजार कर रहे थे कि भाई Realme 2 में कुछ गजब का होगा, लेकिन यार ये बम जो फूटा है ना, ये कोई गजब का नहीं, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसर मिल रहा है वो मिल रहा है Snapdragon 450। यदि आप इस प्रोसेसर से संतुष्ट है ना तो भैया आप बता दीजिएगा। लेकिन Realme 2 ने फिर से एक और नई तैयारी कर ली है और इस बार Realme 2 Pro आने वाला है और ये फोन कहीं ना कहीं Realme 2 का बड़ा भाई होगा, क्योंकि यहां पर आपको प्लस ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि भाई अब कौन सी कंपनी क्या देती है और सबसे बड़ी बात है भैया किस प्राइस में देती है, ये सबसे बड़ा मैटर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं Realme 2 Pro के बारे में और यहां पर आपको मिलने वाला है 6.2 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले। चलिए HD से हम फुल HD में आ गए, लेकिन यहां पर आपको नॉच भी मिलेगी। और आपको ये भी पता है कि भैया आज का नॉच का ट्रेंड है, चाहे आप नोकिया के X6 में देख लीजिए, चाहे अभी पोको फोन आया है वहां पर भी आपको नॉच मिल गई है और Realme 2 में भी आपको नॉच मिल गई है बहुत ही सस्ते रेट में। यार यहां पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो बहुत ही लाजवाब होगा। उसके साथ साथ यदि आप कैमरे के शौकीन हैं तो यहां पर आपको मिलने वाला है 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और यदि आपको सेल्फी लेनी है तो हो सकता है यहां पर आपको मिल जाए 16 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब Realme 1 में जो कमियां थी वो Realme 2 में पूरी तो कर दी गई है, क्योंकि यहां पर ड्यूल कैमरा दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है आपको Realme 2 Pro में ज्यादा अच्छा कैमरा मिल जाए। वैसे एक कमी जो मुझे बहुत खलती है वो होती है फिंगरप्रिंट। जिस फोन में फिंगरप्रिंट नहीं होता तो मुझे लगता है भैया अंधेरे में फोन कैसे अनलॉक करेंगे, और Realme 1 में आपको फेस अनलॉक तो मिल गया था, लेकिन Realme 2 में भी आपको फेस अनलॉक के साथ साथ फिंगरप्रिंट मिल गया है। और जो Realme का अगला फोन आने वाला है Realme 2 Pro, यहां पर भी आपको फेस अनलॉक और साथ में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, और उसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी भाई लाजवाब होने वाली है, क्योंकि Realme ने बता दिया है कि भाई हम कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन यार बात यही नहीं बनती, भैया प्रोसेसर कौन सा होगा, और Realme 2 में जो प्रोसेसर है Snapdragon का 450, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना हाइप क्रिएट करने के बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन Realme 2 में आपको हो सकता है 660 मिल जाए, 670 मिल जाए, और या तो Snapdragon का 710 मिल जाए, तभी बात बनेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं थोड़ा सा यार आप बता दीजिएगा। लेकिन प्रोसेसर यदि ये हुए तभी बात बन सकती है, क्योंकि नोकिया का जो X6 है यहां पर आपको प्रोसेसर मिलता है Snapdragon का 636, वो भी 16,000 रुपए में। Redmi Note 5 Pro चल ही रहा है और आगे आने वाला है Redmi का Note 6 Pro और वहां पर भी यही प्रोसेसर होने वाला है, क्योंकि वहां पर हो सकता है Xiaomi की तरफ से कृपा मिल जाए तो Snapdragon का 636 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 660 मिल सकता है, 670 मिल सकता है और 710 मिल सकता है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के मामले में भैया यहां पर आपको कलर OS मिल जाएगा जो खुद का ओप्पो का है, और हो सकता है ये ओरियो का जो अपडेट है वो भी दे दे और आगे पी दे दे तो लाजवाब होगी। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी नीड है वो है बैटरी, तो यहां पर आपको मिल सकती है बैटरी 4500 mAh की और साथ में फास्ट चार्जिंग मिले और टाइप सी मिल जाए तो ये प्लस होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आजकल यार हर एक फोन में फास्ट चार्जिंग जब होती है ना तभी बात बनती है। मतलब Realme 2 Pro में आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस वाला मिलेगा, ड्यूल कैमरा मिलेंगे, फास्ट चार्जिंग भी मिल सकती है, उसके साथ साथ बड़ी बैटरी भी मिल रही है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट मिल रहा है। लेकिन इस फोन का क्या प्राइस होने वाला है ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरे हिसाब से 3GB की रैम और साथ में 32GB, 64GB, 4GB जो भी आता है यहां पर मेमोरी, मेरे हिसाब से मैं इसको जो कहूंगा वो कहूंगा केवल 14,000 से लेकर 16,000 रुपए तक, क्योंकि यदि ये प्राइस आया 20,000 रुपए, भैया 20,000 रुपए में 1,000 रुपए हम ऐड करके पोको फोन नहीं ले लेंगे, मैं तो यही सोचता हूं। आप Realme 2 Pro के बारे में क्या सोचते हैं ये तो नीचे बता दीजिएगा, और आप इसका प्राइस क्या चाहते हैं ये सबसे बड़ी बात है, ये भी आप बता दीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट छोटा सा एक बटन होगा घंटे का, उसे दबा दोगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।